हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडोटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। गाइस आज हम लोग चेक योर प्रोग्रेस का लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए फॉर कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब तक हमने नाइन कर चुके हैं हम लोग। एक जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो अब तक हम लोग 9 टॉपिक्स पे पढ़ चुके हैं, हम लोग 9 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम कि आप अपनी चेक प्रोग्रेस चेक करें और रिवीजन करें उन 9 लेक्चर्स का। अब तक हमने 3 टॉपिक्स पे कवर किया है, ठीक है, बेसिकली कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने अब तक 3 टॉपिक्स पे कवर किया है। दीज 3 टॉपिक्स आर HP के GK से। ये 3 जो टॉपिक हैं हमारे वो कौन कौन से हैं? फेयर्स, ओके, फेयर्स कवर कर लिए हमने। देन हमने फेस्टिवल कवर कर लिए हैं हिमाचल के, एंड वी हैव आल्सो कवर्ड दी फोक डांसेस। ठीक है, आई होप आपने वो सारे लेक्चर्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आज आपको उनकी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। ओके, जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू कैन हेयर मी, इफ आई एम ऑडिबल। ठीक है, चेक योर प्रोग्रेस जो लेक्चर होते हैं ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव आल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको ये सिखाएगा कि आपको MCQ कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, साथ ही साथ देयर आर अदर 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स, 3 ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप इन लेक्चर्स को अटेम्प्ट करते हो तो। सो मैं बताऊंगी जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे चलेंगे, आई एम गोना टेल यू कि कैसे कैसे आप उन 3 चीज़ें हैं जो अचीव कर सकते हो बाई अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चन। ओके, सो चंबल डाकू जी, हाँ आ गया मुझे आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच बताने के लिए। चलो लेट्स स्टार्ट विद आर लेक्चर देन। अगर अब तक आपने यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है देन सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल, ताकि आपको ऐसे ही लेक्चर और रेगुलरली मिलते रहे। साथ ही साथ ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहाँ पर आपको हमारी वीडियोज की PDF मिल जाएगी और आप उन PDFs को डाउनलोड करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है, मिंजर फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि मिंजर फेयर जो है, ठीक है, वो इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपके ऑप्शन है बिलासपुर, किन्नौर, सिरमौर एंड चंबा। अब जल्दी से आंसर दीजिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है किन्नौर मिंजर फेयर। मिंजर फेयर जो है गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पहले भी इससे क्वेश्चन आया है, और जिसने हमारे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, जिसने कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश के लेक्चर अटेंड किए होंगे, वो बता सकता है कि ये जो मिंजर फेयर है कहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि मैंने उस लेक्चर में होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था आपको इससे रिलेटेड। काफ़ी सारे आंसर्स आ रहे हैं और सही आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग। स्वाति बिल्कुल ठीक है, चंबल जी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, मानसी आपने भी बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, अमित शर्मा वेरी गुड, वेल डन गाइज, आई एम रियली हैप्पी टू सी कि आप लोग बिल्कुल ठीक आंसर दे पा रहे हो, एंड आई एम रियली ग्लैड कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो रेगुलरली। सो द राइट आंसर इज चंबा। ठीक है, तो चंबा इज द राइट आंसर। मिंजर फेयर जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, कहाँ पर? चौगान नाम की जगह पर। चौगान मैदान है, उस जगह पे मिंजर फेयर को ऑर्गेनाइज करते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मिंजर फेयर में से? मिंजर फेयर जो है वो मेज फ्लावर से रिलेटेड है। यही क्वेश्चन मैंने अपने होमवर्क क्वेश्चन में दिया था, ये जो हमारा जहाँ पे हमने इस PPT में पढ़ा था वहां पर मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था। साथ ही साथ अगर आप PYQs देखोगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि राजा जो होते हैं, जो उन्होंने हिमाचल में जो राजा रहे हैं, उन्होंने जो काम किए हैं, उस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इस फेयर से जो रिलेटेड राजा है उनका नाम है राजा साहिल वर्मन। ठीक है, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। सो देर आर 3 थिंग्स डैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट मिंजर फेयर। 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली कि कहाँ ऑर्गेनाइज होता है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जगह पर। सेकंड इज कि किससे रिलेटेड है, मेज फ्लावर से रिलेटेड है। थर्ड इज किस राजा के एट्रीब्यूट जो आज फॉर्म है इस फेयर की, वो किसके एट्रीब्यूट है? राजा साहिल वर्मन के। आई होप क्लियर होगा। वेल डन गाइस, शुभ बिल्कुल ठीक है आंसर आपका, संदीप आपने भी बिल्कुल ठीक दिया, रहनुमा एंड सुमन एवरीवन गाइस रियली नाइस। ठीक है, सबने ठीक दिया। नाउ कमिंग ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इसका भी आंसर देखते हैं कौन ठीक देगा। स्कॉटी फेयर जो है वो कहाँ से, किसको ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है? योर ऑप्शंस आर नाग देवता, महेशु देवता, या फिर वो वूमेन जो सती हुई है, या फिर ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है। सो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, आप देखते हो कि ये ज्यादातर ऑप्शन में कई बार ये भी होता है ऑल ऑफ द अबव, आपको कंफ्यूज करने के लिए भी देते हैं। सो इसका आंसर दीजिए सेकंड क्वेश्चन का, कि जो स्कॉटी फेयर है वो किसको ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। योर ऑप्शंस आर नाग देवता, महसो देवता, या फिर वुमेन हु परफॉर्म सती। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत डिटेल में इस टॉपिक के बारे में पढ़ाया था और ये भी बताया था कि ये इसलिए ही इम्पोर्टेंट है किसको ऑनर करने के लिए दिया सेलिब्रेट किया जाता है इसको। ओके, मुझे काफ़ी सारे सही आंसर दिख रहे हैं। स्वाति ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, मानसी ने भी, चंबल डाको आप भी ठीक आंसर दे रहे हो, रहनुमा आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। वेल डन गाइस, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वुमेन हु परफॉर्म सती। तो वो वुमेन जिन्होंने सती परफॉर्म की थी पहले टाइम पे, उनको ऑनर करने के लिए स्कॉटी फेयर को सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके बारे में कुछ और जानते हैं, ठीक है। पहली बात जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में अलग से, वो क्या है कि ये ना कि यहाँ पे कोई टेम्पल नहीं है जहां पर इस फेयर को सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ एक हीप ऑफ स्टोन्स है जहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उन हीप ऑफ स्टोन्स की ही पूजा करते हैं, वहीं पर इस फेयर को मनाते हैं। एंड टू ऑनर वुमेन जिन्होंने सती परफॉर्म की थी, साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म की सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है? मंडी में किया जाता है। वेल डन संदीप, आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है, शुभी आपका भी ठीक है, एंड सुमन आपका भी ठीक है। वेल डन गाइस, ठीक। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे कोई टेम्पल नहीं है, वुमेन को ऑनर करने के लिए करते हैं और मंडी डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है। सो इन सारे टॉपिक्स पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर इस फेयर को सेलिब्रेट करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि इसको मंडी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट करते हैं। आई होप क्लियर होगा। देखो यहाँ पे और क्या सीख रहे हो आप एमसीक्यू में, आप ये तो सीख रहे हो आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग एमसीक्यू, साथ ही साथ आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग में ये भी आता है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है ना कई बार कि याद नहीं आ रहा, मैंने तो पढ़ा था बिल्कुल ऐसे ही था, मैंने पढ़ा तो है कि हाँ स्कॉटी फेयर के बारे में, पर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो पता है इससे क्या पता चलता है कि आपने रिविजन नहीं किया है प्रॉपर, ठीक है। ये नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन रिवीजन नहीं हुआ बार बार, इस वजह से आपका माइंड रिकॉल नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको कैसे पता चलती है? जब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट्स करते हो, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो। कमिंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द लाइट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट, ठीक है, आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और नीचे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कुल्लू दशहरा वॉज ऑफिशियली नोटिफाइड एज इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑन 27 सितंबर 2017, ठीक है। तो इन कुल्लू दशहरा, ठीक है, कुल्लू दशहरा को किस दिन, किस डेट को इंटरनेशनल फेस्टिवल नोटिफाई किया था? नाउ गाइस, कुल्लू दशहरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फेयर है, ठीक है, इसलिए मुझे लगता है सबको पता होगा। जो स्टेटमेंट टू है वो है इट इज सेलिब्रेटेड इन धलपुर मैदान इन द कुल्लू वैली, ठीक है। सो आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, अब आपको बताना है आपका पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर बी है कि स्टेटमेंट वन और टू दोनों ही इनकरेक्ट है, या फिर स्टेटमेंट वन करेक्ट है टू इनकरेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन है कि वन इनकरेक्ट है और टू करेक्ट है। सो जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि क्या आंसर सही होगा। मानसी का ऑलरेडी गाइस आंसर आ भी गया है, उनका कहना है ए इज द आंसर, ठीक है। और स्वाति ने आंसर दिया है डी, बट आई एम रियली सॉरी स्वाति, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से ट्राई करेंगे, ठीक है। द राइट आंसर इज गाइज आंसर ए, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था आपको कि कुल्लू दशहरा जब आप पढ़ोगे ना तो हमेशा याद रखना कि इंटरनेशनल फेस्टिवल किस दिन बनाया गया है। इसको 27 सितंबर 2017 को इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल नोटिफाई कर दिया था, ठीक है। उसके अलावा जो स्टेटमेंट टू था हमारा कि इसको धलपुर मैदान में मनाया जाता है कुल्लू वैली में, कुल्लू दशहरा है तो कुल्लू वैली में तो मनाया जाएगा, लेकिन ट्रिक करने के लिए आपको ये भी पूछा उन्होंने एग्जैक्ट किस जगह पे, किस मैदान में मनाते हैं, तो धलपुर मैदान में मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए था अगर आपने कुल्लू दशहरा पढ़ा है। क्या ये हमने ऑलरेडी कवर किया था अपने सेशंस के अंदर, वहां पे मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड फेमस है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कुल्लू दशहरा को अटेंड करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ इसको 27 सितंबर 2017 को नोटिफाई किया था, इस जगह पे ये मनाया जाता है और ये विजयदशमी के साथ शुरू होता है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है ना इससे रिलेटेड, वो यही है कि कौन से किंग एसोसिएटेड है, कौन से राजा एसोसिएटेड है
जगत सिंह जी जो है वो एसोसिएटेड है इस फेयर के साथ, साथ ही साथ रघुनाथ जी का जो आइडियल है उसकी रथ यात्रा निकाली जाती है। तो इसके ऊपर ना कुल्लू दशहरे के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। आपको यही सोचना है वेन एवर यू आर स्टडिंग समथिंग, ना कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, सोचो कि किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। या महेंद्र आपका भी बिल्कुल ठीक है आंसर, रहनुमा आपने भी ठीक दिया है, सुमन सुमन ने आंसर ये दिया है राइट, सुमन का भी बिल्कुल ठीक है, एंड चंबल डाकू जी और शुभी आपका भी बिल्कुल ठीक है, वेल डन, सो वेरी नाइस गाइज, आप अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही आंसर करते रहो, ठीक है। आई होप, मुझे लग रहा है कि आप सबने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पे चलते हैं। विच फेस्टिवल इज नोन एज छतराली इन कुल्लू, धोलरू इन भरमौर, एरिया ऑफ चंबल डिस्ट्रिक्ट, यानी अब बताना है कि इनमें से कौन सा फेस्टिवल को छतराली बोलते हैं कुल्लू में, धोलरू बोलते हैं भरमौर में, ठीक है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए हरियाली, बी चैत, सी इज बैसाखी एंड डी इज मिंजार, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जल्दी से बताइए कि व्हाट इज द राइट आंसर, कौन सा फेस्टिवल है इनमें से जिसको छतराली बोलते हैं कुल्लू में और धोलरू बोलते हैं भरमौर रीजन में। कमन गाइस जल्दी से बताइए, कमन जल्दी जल्दी बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है हरियाली, या फिर बी चैत, या फिर सी बैसाखी, या फिर डी मिंजर फेयर, कौन सा फेयर इनमें से किसको बोला जाता है कि छतराली बोलते हैं धोलरू बोलते हैं, ठीक है। आप एलिमिनेशन को भी यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। देखो क्योंकि हमने मिंजर पढ़ लिया है, मिंजर के बारे में हमें पता है कि मिंजर तो नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ओके आंसर आ गया, चंबल जी बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं, रहनुमा ने भी बिल्कुल ठीक आंसर दिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गाइस, चैत के चैत को ही चतराली बोलते हैं कुल्लू में, धोलरू बोलते हैं भरमौर रीजन के अंदर, ठीक है। वेल डन, वेरी गुड स्वाति, आपका भी बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही दिया है आपने अब की बार, ठीक है। सो ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था इन आर लेक्चर्स, ठीक है। चैत जिसको धोलरू भी बोलते हैं, ये जो फेस्टिवल है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में। व्हेन आई वाज टीचिंग यू, जो मैं आपको पढ़ा रही थी, मैंने तब भी बोला था कि आपको ये नाम जो है ना ये याद करने हैं, क्योंकि इन नाम के ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज करने के लिए ऐसा कर सकता है कि वो आपसे किसी और नाम को पूछ रहे, जो कॉमनली यूजुअली जिससे नाम जानते हैं हम, वो क्वेश्चन वो नाम ना देके कोई और नाम दे दे, तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए। अब इसमें से और कौन से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं कि ये जो फेस्टिवल है किस जगह पे ज़्यादा प्रोमिनेंटली मनाया जाता है, तो कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर इस जगह पर ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है, साथ ही साथ कौन सी ऐसी कास्ट हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंटली इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं या जिनके लिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखता है। देखो मनाते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी किसी के यहाँ पर कोई कोई फेस्टिवल प्रोमिनेंट होता है ना, तो कौन सी कास्ट है, ढाकी, तूरी और सहनाई, ये जो कास्ट है इनके लिए ये फेस्टिवल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। सो इस वजह से भी ये फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसके डिफरेंट नाम है डिफरेंट जगह पर। एंड नाउ कमिंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, एंड आई एम रियली हैप्पी सीइंग कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, एंड आई रियली होप कि आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फुलेज इज सेलिब्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, फुलेज जो है वो किस रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन ए किन्नौर, बी इज लाहौल, सी इज चंबा एंड डी इज हमीरपुर। आपको बताना है इनमें से किस जगह पर फुलेज को सेलिब्रेट करते हैं, फटाफट से आंसर दीजिए। ओके स्वाति का आंसर आ गया है, देन मानसी का आंसर आ गया, वेल डन गाइस, या अभी वेट कर दे, थोड़ा वेट कर लेते हैं कि और लोग भी आंसर कर दे, तब ऑप्शन तब हम आंसर बताएंगे। ओके महेंद्र का आंसर आया है ऑप्शन बी, ठीक है, एंड चंबल डाकू जी का भी आंसर आ गया है, उनका भी कहना है ए इज द राइट आंसर, संदीप का भी आंसर आ गया है ए इज द राइट आंसर, वेल डन गाइस, ठीक है। देखो जहां आपको कन्फ्यूजन होना कि मुझे नहीं पता है, तो आप स्किप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है स्किप लिख दो आपकी मैम ये मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज वो भी आर्ट है, ठीक है, वो भी एक आर्ट है एमसीक्यू अटेम्प्ट करने की। ओके रहनुमा का भी आंसर आ गया, सुमन का भी आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका आंसर बता देते हैं, राइट आंसर इज ऑप्शन ए गाइस, किन्नौर, किन्नौर में फुलेज को मनाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं कि और किस तरह का क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, ये तो हमने पढ़ लिया है। तो फुलेज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फूलों का फेस्टिवल, ठीक है, तो फूलों का बहुत प्रोमिनेंस है इसमें, जो लोग होते हैं ना वो हिल टॉप्स पे जाते हैं, फूलों को इकट्ठा करते हैं और लाके फिर अपने लोकल डीटीज को
चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये किस किन्नौर रीजन में मनाया जाता है। साथ ही साथ फ्लावर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, गार्लेंड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, मालाएं बनाती हैं फूलों की लोग और उन्हें अपने लोकल डीटीज़ को चढ़ाते हैं। ये आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो लोकल डीटीज़ है ना उनका बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कमिंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मैच दी फॉलोइंग लिस्ट वन और लिस्ट टू। अगर आप रिसेंट के पेपर्स देखोगे तो मैं आप पाओगे कि मैच दी फॉलोइंग का जो लिस्ट वन लिस्ट टाइप क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आने लगे हैं, साथ ही साथ स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो हमने कोशिश की है कि हम क्वेश्चंस को उसी तरह से फॉर्म करें। ठीक है, तो हमारी पहली लिस्ट है, वहाँ पर फेयर दिए गए हैं, जो हमारी लिस्ट टू है उसमें डिस्ट्रिक्ट दी हुई है। तो फेयर जो है उन्हें आपको डिस्ट्रिक्ट से मैच करना है। पहला हमारे जो फेयर है वो है नलवारी, देन तारा देवी फेयर, देन ज्वालामुखी फेयर, देन गसोटा फेयर। आपको बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ मैच दी फॉलोइंग का जो लिस्ट मैच करने का जो क्वेश्चन होता है ना, उसे अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जिसके बारे में श्योर हो आप उसे देख लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तारा देवी का सबको पता है कि कहाँ पे होगा इनका टेम्पल। ठीक है, सो आप वो चीज़ देख लीजिए, देन उसके बाद फिर ज्वालामुखी का टेम्पल पता होगा। जल्दी से आंसर दो, फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगी कौन सा है। ओके, आंसर्स आ गए। मानसी बिल्कुल ठीक आंसर दे रही है, संदीप ने भी आंसर दे दिया है, चंबल डाकू जी ने भी दे दिया है, हरविंदर का भी आंसर आ गया है, स्वाति का भी बिल्कुल ठीक आंसर आ गया, वीरेंद्र का भी, सुमन का भी। वेल डन गाइस, बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हो आप, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो ये जो दो टेम्पल है ना जहाँ पे फेयर सेलिब्रेट किए जाते हैं बहुत कॉमन है। ठीक है, तारा देवी जो है वो शिमला में है उनका टेम्पल, ज्वालामुखी जी का कांगड़ा में है। ठीक है, तो आपने ये दो मैच कर दिए, बी का वन और सी का टू। कहाँ पे है बी का वन और सी का टू? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया है। ठीक है, तो नलवारी जो फेयर है वो बिलासपुर में मनाया जाता है और जो गसोटा फेयर है वो हमीरपुर में मनाया जाता है। दैट्स द राइट आंसर। अब आपको ये सारे फेयर्स भी पढ़ने हैं, हमेशा ये करो, अगर बाई चांस फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्शन सही मिल गया है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, बाकी जो ऑप्शंस हैं, जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें भी पढ़ो, उन्हें भी देखो कि ये गलत क्यों है, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको ये फेयर्स भी कवर करने होंगे। ठीक है, मैंने सारे फेयर्स अपनी जो पुराने लेक्चर्स हैं उनमें कवर किया है, वहाँ से पढ़ सकते हो। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ठीक है, व्हाट आर दी डांस फॉर्म्स परफॉर्म ड्यूरिंग लोसर फेस्टिवल। ठीक है, जो लोसर फेस्टिवल होता है उसमें कौन सी डांस फॉर्म प्रैक्टिस की जाती है। डांस फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट हिमाचल प्रदेश, तो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं याक, छाम, थोड़ा एंड साबो। अब नीचे ऑप्शन जो है वो ना इनका मिक्स करके दिए हुए हैं, यानी एक से ज़्यादा परफॉर्म की जा सकती है इनमें से। अब आपको बताना है इनमें से कौन से होंगे। 1 3 4, 1 3 4 होगा याक, थोड़ा, साबो। ठीक है, या फिर क्या होगा ऑप्शन बी 1 2, याक और छम, और सी क्या है हमारा, थोड़ा या साबो, या फिर सारे ही डांस परफॉर्म किए जाते हैं। जल्दी से आंसर दो, लेट्स सी कौन ठीक करता है। सो रहनुमा आप 5th का आंसर दे रहे हो, डी। नहीं, हम तो 7th क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, मानसी का आंसर आ गया है, वेल डन मानसी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, और किसका आंसर आ रहा है। ओके, चंबल जी ने स्किप कर दिया, वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हो, बिकॉज वो भी इम्पॉर्टेंट है ना, अगर नहीं आता तो स्किप करो। ठीक है, वो भी पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं। ठीक है, वेल डन गाइस, सबका आंसर आने लग रहा है, स्वाति का भी आंसर आ गया है बी, सुमन का भी आ गया, बिल्कुल ठीक आंसर है, रहनुमा ने भी ठीक आंसर दिया है, एंड वेल डन गाइस, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं आपके, आशुतोष का भी आ गया, महिंदर का भी आ गया, वेल डन, नाउ वी कैन टेल दी आंसर। ठीक है, आंसर जो है वो बी है गाइस, बी बिल्कुल ठीक आंसर है। ओके, और आशुतोष बी आंसर सही होगा, महेंद्र बी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे डांस है याक और छम डांस, ठीक है, ये है डांस जो लोसर फेस्टिवल के टाइम पे मनाए जाते हैं। मैंने ये पढ़ाया था और ये भी बताया था कि जो डांसेस है ना इसमें मार्क्स लगा के डांस किए जाते हैं, तो दे आर मार्क्स डांसेस। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे लोसर फेस्टिवल में और क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट, लोसर फेस्टिवल जो है पूरी एंटायर ट्राइबल बेल्ट में सेलिब्रेट होता है, जो हिमाचल की पूरी एंटायर ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तिब्बतन कॉलोनीज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मोनेस्ट्रीज होती हैं उनके बैकयार्ड में इसको परफॉर्म किया जाता है। एक ट्रेडिशन है कि मोनेस्ट्रीज के बैकयार्ड में इसको परफॉर्म किया जाएगा। जो डांसेस हैं इससे रिलेटेड वो कौन से हैं, याक और छम डांस है। ठीक है, उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में नोट कर लो, रहनुमा, आशुतोष, शुभी, स्वाति, सब लोग प्लीज़ इसे नोट कर लेना।
तो दोर्जे सेरेमनी होती है जिसमें कि बेल रिंग की जाती है, वो भी इसी फेस्टिवल के टाइम पे मनाई जाती है, उसे भी अभी प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ सकता है कि दोर्जे जो सेरेमनी है वो किस टाइम पे परफॉर्म की जाती है, कौन से फेस्टिवल में परफॉर्म की जाती है, ठीक है। सो दैट विल बी लोसर फेस्टिवल के, आई होप क्लियर होगा। हाँ, न्यू ईयर होता है ये, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप चंबल। ये जो है ये एक तरह से न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को, ठीक है। जो तिब्बतन कम्युनिटी है स्पेसिफिकली उनके लिए ये न्यू ईयर होता है। वेल डन, हाँ जी, पद्मा संभव जी से रिलेटेड है ये, वहाँ के जो लोकल प्रिंसेस थे उनसे शादी हुई थी उनकी रिवाल्सर की, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाते हैं। क्योंकि देखो हिमाचल में ना, हिमाचल को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ देवी देवताज बोलते हैं, तो काफ़ी सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज जुड़ी होती हैं फेयर्स के साथ, फेस्टिवल्स के साथ, जितनी सेरेमनीज होती हैं उनके साथ, एंड इट्स रियली ब्यूटिफुल, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे उसके बारे में जानोगे ना, तो आपको भी पता चलेगा कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारी छोटी सी कंट्री के अंदर। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, द दलसोन एंड द छोलम डांस परफॉर्म्स बिलोंग टू, ये जो दो डांस फॉर्म्स हैं हमने अपने लेक्चर में भी कवर किए थे, ये कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं। आपके ऑप्शन है कांगरा वैली, पिन वैली, रोपा वैली और नन ऑफ द अबव, ठीक है। नाउ अच्छे से आंसर करें, ठीक है, कम ऑन गाइज, आंसर करो, कांगरा वैली से या फिर पिन वैली से, रोपा वैली से या फिर किसी से नहीं है, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन होते हैं ना, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, इन्हें देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है अगर आपको आंसर पता है, बिकॉज दीज क्वेश्चन आर क्वाइट डायरेक्ट, ठीक है। कल्चर के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी डायरेक्ट होते हैं, आप उन्हें रिलेट नहीं कर पा रहे हो एलिमिनेशन से करके देखो, एलिमिनेशन से भी नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन है, तो फिर छोड़ दो, डोंट अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता है तो स्किप कर दो, ठीक है। तो आपको बताना है दलसोन और छोलम डांस जो है फॉर्म, वो किस जगह से, कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं। ओके, आंसर्स आ गए गाइज, ठीक है। वीरेंद्र नायगी जी का आंसर आया है ऑप्शन बी, चंबल डाकू जी का आंसर आया सी, वेल डन, वेरी गुड। और उसके अलावा रहनुमा का आंसर भी आ गया है, और सुमन ने बोला है कि स्किप कर देंगे वो, ठीक है, नाइस, स्किप भी करो कोई बात नहीं। आशुतोष का आंसर भी बी आ गया है। ओके, सो हम आंसर बता देते हैं, आंसर जो है वो सी है, रोपा वैली, ठीक है। रोपा वैली में सेलिब्रेट की मतलब बिलोंग करते हैं ये दोनों ही डांस फॉर्म्स। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है रोपा वैली से रिलेटेड, देखो यहाँ मैंने पढ़ाया था आपको कि ये जो दोनों डांस फॉर्म्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह के हैं। ये जो बहुत ही एंशियंट डांस फॉर्म्स हैं, ये फोक डांसेस हैं ना हिमाचल के, दोनों ही बहुत एंशियंट है। पहले टाइम पे ना टाइगर को मार के और उसकी स्किन में सोना रखते थे और उसकी स्किन को पहन के डांस करते थे, बट ऑब्वियसली ये सारी सेरेमनीज अब बंद हो गई हैं, अब इन्हें परफॉर्म नहीं किया जाता। उसके अलावा रोपा वैली खुद में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि रोपा वैली को वैली ऑफ ग्रेप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, वैली ऑफ ग्रेप्स भी बोलते हैं रोपा वैली को, और ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। आई होप क्लियर होगा सबको, आपको मज़ा आया होगा सेशन अटेंड करके, आपको भी पता चला होगा कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हो गई है। सो तीन रीज़न जिसकी वजह से इस तरह के लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला एमसीक्यू अटेम्प्ट करना आ जाता है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको पता होता है स्किप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, कब करना है कब नहीं, देन रिविजन हो जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन ना रहे ऑप्शन के बीच में, एंड थर्ड थिंग आपको भी पता चलता है, हमें भी पता चलता है कि आपने कितनी प्रोग्रेस करी है और क्यों इम्पॉर्टेंट है इस तरह के लेक्चर्स। ये जो छोटे छोटे लेक्चर देते हैं हम आपको 15-15 मिनट के, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको पता चल जाता है कि आप अगर रेगुलर पढ़ोगे ना, कम पढ़ो सटीक पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस रिस्पांस, फॉर स्टडिंग सो मच, और इतने सही आंसर देने के लिए सबको ही थैंक यू। अभी भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है ठीक आपके माइंड में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस ईमेल आईडी। हम हमेशा आपके साथ, एवरी स्टेप, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा एग्जाम देना है नहीं देना है, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।